भगवान के मैया गोवर्धन पर्वत को उठाए। भगवान के मैया इस धराधाम में सबको शिक्षा देने आए हैं। ब्रह्मा जी का गर्व भंजन करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी के गर्व को ही भगवान भंजन किए। इंद्र के घमंड को ही भगवान गोवर्धन उठा करके तोड़ दिए। इंद्र को अहंकार हो गया था कि जल की वर्षा मैं कराने वाला हूँ, मेरी ही पूजा हो, मेरी ही आराधना हो, मेरी ही भक्ति हो, मेरे अलावा और किसी की पूजा ना हो, ऐसा अभिमान अगर मन में आ जाए तो पतन जरूर होता है। अहंकार अगर आ जाए तो पतन जरूर होता है। इंद्र को अभिमान था मैं ही देवता हूँ, मेरी ही पूजा हो, मेरे अलावा और किसी देवता की पूजा ना हो। इस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाने की लीला की है। छोटी सी उंगली में भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और दुनिया को बताने लगे, दुनिया वालों बड़ा काम अगर कोई करना है तो सबका सहयोग लेना चाहिए। सबका सहयोग लेकर के हम काम करेंगे, हमारा काम अवश्य सफल होगा। भगवान उंगली में उठाए हैं पर उनके साथी जो है लाठी को उंगली करके खड़े हुए हैं। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान यही कहते हैं, भैया ये पर्वत उठाया हुआ मेरा बल नहीं है, ये तो सब आपका ही बल है और आप सबके बल से ही मैं पर्वत को उठा पाया। अगर आप सहयोग नहीं देते तो मैं पर्वत को कभी नहीं उठा पाता। उठाए भगवान है, शक्ति भगवान की है, पर भगवान कह रहे हैं तुम्हारे ही सहयोग से मैं ये सब काम किया हूँ। इसलिए समाज में कोई बड़ा काम करना है, समाज में कोई अच्छा काम करना है, विशेष काम करना है, सबका सहयोग लेना चाहिए। गीता करना हो, भागवत करना हो, समाज का कोई बढ़िया काम करना हो, सबका सहयोग लो। छोटे को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, कभी किसी को हतोत्साहित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कभी किसी को बढ़ने से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहन देकर के आगे बढ़ाना चाहिए। तुम अगर दूसरे का सहयोग करोगे भगवान तुम्हारा सहयोग करेंगे। और जो आगे बढ़ना चाहता है उसे दुनिया की बातों में ध्यान भी नहीं देना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, लगन से बढ़ते रहना चाहिए। और बढ़ते रहने के लिए अगर निरंतर संघर्ष करोगे तो बढ़ ही जाओगे आगे। भगवान गोवर्धन को उठाए, गो बोलते हैं इंद्रियों को, वर्धन बोलते हैं परमात्मा की ओर ले जाने। हम अपनी इंद्रियों को परमात्मा की ओर ले जाने का प्रयास करें, हम अपने नेत्र से भगवान का दर्शन करने का प्रयास करें, हम अपने कान से भगवान की कथा सुनने का प्रयास करें, हम अपने हाथ से सुंदर भगवान का कीर्तन करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, पुण्य करने का प्रयास करें, सबका सहयोग करने का प्रयास करें, हम अपने पांव को तीर्थ में ले जाने का प्रयास करें, सत्संग में ले जाने का प्रयास करें, हम अपने सर्वांग देह से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें। क्योंकि कहा गया है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि Yeah.
नेत्र से दर्शन करो, हाथ से सुंदर दान करो, पांव को सत्संग में ले जाओ, तीर्थ में ले जाओ, सर्वांग हृदय से भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर। भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाए और जीव को कहते हैं, जीव इंद्रियों को तुम मेरी ओर बढ़ाओ। इंद्रियां सुंदर सुंदर वस्तु देखना चाहती है, भगवान का दर्शन कराओ। कान सुंदर सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, भगवान की कथा सुनाओ। हाथ जो है पाप कर्म दुष्कर्म करना चाहते हैं, उससे दान करो, पुण्य करो, सुंदर भजन कीर्तन में उसे ले जाओ। पांव विषय वासना की वस्तु में जाना चाहता है, स्थान में जाना चाहता है, उसे भगवान के मंदिर ले जाओ, सत्संग में ले जाओ। सर्वांग देह से हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें। गोवर्धन पर्वत को भगवान उठाए, धीरे 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 कंस को पता चला ये बालक जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तो भगवान को मारने के लिए एक और योजना बनाया कंस। भगवान को मारने के लिए योजना बनाया है कंस, क्या योजना बनाया है? बोले कंस जो है